तो ऑल राइट दोस्तों, आज है हमारे पास ह्यूंडई अल्काज़र और इसमें हम लोगों ने 360 बर्ड व्यू कैमरा इंस्टॉल किया है। यहाँ पर आप लोग इसके कैलिब्रेशन क्लॉथ को देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हम लोगों ने 4.4 mm वाली क्लॉथ को जो डालते हैं वो क्लॉथ ये नहीं है। इसका क्लॉथ थोड़ा आपको देखने के लिए अलग मिल रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी अलग है। ये OEM प्लेयर में कनेक्ट होता है 3D कैमरा, जो कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इसकी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके OEM प्लेयर में इस कैमरे को कनेक्ट किया है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं अंदर चल के। लेकिन उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल कैलिब्रेशन क्लॉथ में इसका जो है कैलिब्रेशन या फिर कुछ भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसमें अलग प्रोसेस रहता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए आइए चलते हैं कार के अंदर। कस्टमर भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, देखते हैं किस तरीके का ये कैमरा है, क्या इसकी खासियत है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ह्यूंडई अल्काज़र के OEM प्लेयर में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर रायपुर छत्तीसगढ़ में इस कैमरे को इंस्टॉल किया है। इसका मैं बर्ड व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो बाजू में दिखाई दे रहा है ये बर्ड व्यू है, चारों तरफ का जो एरिया है वो कवर करेगा। और एक रिमोट आपको मिलता है यहाँ पर, और वो रहा उसका सेंसर। जैसे ही मैं इसको बटन को यहाँ पर से ऐसा करूँगा तो ये देख सकते हैं आप लोग, फ्रंट का, बैक साइड का पैनारोमिक व्यू, पीछे का भी पैनारोमिक व्यू, अलग अलग तरह के व्यू में आप लोग यहां पर देख पाएंगे किस तरीके से कैमरा काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर, आप लोग देखे होंगे कि जब भी कैमरा मैं लगाता हूं 2D और 3D लगाता हूं, लेकिन यहां पर देखिए ये 5D है। 5D का ऑप्शन में मैं अभी हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया एंड बटन को जैसे यहाँ पर करता हूँ, तो 5D व्यू में इसका जो है व्यू आपको नज़र आएगा। इस कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी अलग है, ये कैमरा थोड़ा अलग है। हर बार कैलिब्रेशन क्लॉथ मैं अलग डालता हूँ, इस बार थोड़ा अलग कैलिब्रेशन क्लॉथ मैंने डाला हुआ है। तो इस कैमरे की बात अलग है, इसका कैलिब्रेशन प्रोसेस अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जो कार के ऑनर है उनसे पूछना चाहूँगा कि ये कैमरा कैसा है। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नितेश कुमार साहू। तो नितेश सर, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सर, ये जो कैमरा लगाया हम लोगों ने आपकी कार में, ये कितने प्राइस का आपको पड़ गया आफ्टर मार्केट में? कैमरा पड़ा मेरे को 30,000 रुपए का। अच्छा, ये जो डिस्प्ले है ये कंपनी दी हुई थी। अच्छा, ओनली 360 कैमरा डाला हुआ इसमें। अच्छा, तो 30,000 का पड़ा है मुझे। 30,000 रुपए का ये कैमरा है, और ओरिजिनल कैमरा इनका हम लोगों ने डमी बनाकर रखा हुआ है। तो सर, ज्यादा दिन नहीं हुआ इसे लगाए, 4 से 5 दिन ही हो रहे हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आपको कैमरा? ये बहुत बढ़िया है, 3D अच्छा है, क्लियर भी बढ़िया दिख रहा है कैमरा। अच्छा, क्वालिटी अच्छा है कैमरे का। अच्छा क्वालिटी कैमरे का जी। और सर, ये मोको आपने खुद बताया था या जो दुकानदार है उन्होंने आपको कंसीडर किया था कि मोको लगाइए? दुकानदार ही कंसीडर किए थे। अच्छा, मोको कंपनी लगाइए, बढ़िया कंपनी करके। अच्छा, तो देख सकते हैं भाई आप लोग, कस्टमर के जो कार के जो ऑनर है वो भी यही कह रहे हैं कि एकदम अच्छा है कैमरा, अगर आपको लगवाना है तो लगवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हर प्लेयर में मजा नहीं आता। क्रेटा 2020 मॉडल में एक बार मैंने संबलपुर में इसका वीडियो डाला था, तो इस तरह के बड़े स्क्रीन वाले प्लेयर में ही ये कैमरा मजा आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड ड्राइव सेफ।